दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन्स जो कि आते हैं 25,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, जिनमें आपको टॉप क्वालिटी फीचर्स और हाई एंड परफॉर्मेंस मिल जाती है। जो भी फोन हमने सिलेक्ट किए उनमें आपको बेस्ट प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, फ्लैगशिप कैमरा सेटअप, डिसेंट बैटरी लाइफ और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। दोस्तों इन सभी फोन्स की रैंकिंग हमने परफॉर्मेंस के हिसाब से की है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी रैंकिंग अलग हो सकती है। अगर आपका बजट 25,000 के आसपास है और आप इस प्राइस में एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेने की सोच रहे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी फोन्स के डिटेल्स, स्पेसिफिक फीचर्स और जानेंगे इनमें से कौन सा फोन किस प्राइस में लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है OnePlus Nord CE2। दोस्तों इसका डिजाइन OnePlus के टिपिकल डिजाइन की तरह नहीं लगता, ये दिखने में थोड़ा बहुत Oppo Find X3 Pro की तरह लगता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी शानदार मिलती है और फ्रंट की तरफ Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। यह 6.43 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले के साथ जो HDR 10 प्लस और 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 64 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है और फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। इसमें जायरो EIS का सपोर्ट मिलता है और इसमें 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यह है MediaTek Dimensity 900 6nm 5G प्रोसेसर के साथ, जिसमें प्राइस के हिसाब से एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाती है, जिसका अंतुदु स्कोर 4.5 लाख के करीब देखने मिलता है। यह 4500mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 65W का चार्जर मिलता है। यह इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और इसमें सभी सेंसर मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2, 4G, डुअल स्टैंडबाई 5G और NFC का भी सपोर्ट मिलता है। इसमें LPDDR4X RAM टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। यह 6GB 128GB और 8GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ, जिसका 6GB 128GB का वेरिएंट 24,000 के आसपास मिल जाता है। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो AMOLED डिस्प्ले विद HDR 10 प्लस सपोर्ट, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन, 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग और EIS का सपोर्ट, 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और डिसेंट कैमरा सेटअप। तो ये है इसके प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की तो ओनली 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, प्राइस के हिसाब से एवरेज प्रोसेसर और लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलती। तो ये है इसके कॉन्स। दोस्तों अगर आपको 25,000 के अंदर OnePlus का ही फोन लेना है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इस वजह से OnePlus Nord CE2 हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Realme 9 Pro Plus। ये फोन स्टाइलिश, ग्लॉसी और लाइट शेप बैक डिजाइन के साथ आता है। डायरेक्ट सनलाइट में इसके बैक पैनल का कलर चेंज हो जाता है। यह 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ जो 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। फोन में फ्रंट और बैक दोनों तरफ Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। ये फोन फ्लैगशिप कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें सोनी IMX766 50 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आता है और सामने की तरफ भी सोनी का 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। इसका प्राइमरी सेंसर OIS के साथ आता है और इसमें 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। इसमें कैमरा क्वालिटी टॉप नॉच मिल जाती है। यह था MediaTek Dimensity 926nm 5G प्रोसेसर के साथ जो हाई लेवल के परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इस फोन के साथ इसका अंतुदु स्कोर 4.5 लाख से भी ज्यादा आता है। इसमें 4500mAh की बैटरी आती है और उसे चार्ज करने के लिए 60W का फास्ट चार्जर मिलता है जो 45 मिनट्स के अंदर इसकी फुल बैटरी चार्ज कर देता है। यह था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और उसे में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है जो इस फोन को बाकी फोन से यूनिक बनाता है। इसमें LPDDR4X RAM टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है। यह था 6GB 128GB, 8GB 128GB और 8GB 256GB के तीन वेरिएंट के साथ, जिसका 6GB 128GB का बेस वेरिएंट 25,000 से शुरू होता है। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन, स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस, टॉप नॉच कैमरा सेटअप, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर विद हार्ट रेट मॉनिटरिंग, 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिलता है। तो ये है इसके प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की तो 25,000 में इसमें सिर्फ 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, सिर्फ 4500mAh की बैटरी मिलती है और इसमें माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये है इसके कॉन्स। ये फोन थोड़ा ओवर प्राइस है लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग कैमरा सेटअप, प्रीमियम डिजाइन और एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है, लेकिन इसकी प्राइसिंग की वजह से ये फोन हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। जिन लोगों को नॉन चाइनीज ब्रांड का फोन चाहिए वो लोग इस फोन के साथ जा सकते हैं। फोन आता है 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ, जिसमें 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है। यह ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, इसमें 64 मेगापिक्सल वाइड, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है और फ्रंट की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। दोनों ही कैमरे से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो यह Qualcomm Snapdragon 778G 5G प्रोसेसर के साथ जो कमाल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है, जिसका अंतुदु स्कोर 5 लाख से भी ज्यादा आता है। यह 5000mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ सभी सेंसर आते हैं। यह 6GB 128GB और 8GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ, जिसका 6GB 128GB 25,000 से शुरू होता है। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो बिग सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले, 5G और NFC का सपोर्ट, डिसेंट परफॉर्मिंग चिपसेट, बेस्ट कैमरा सेटअप, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन, 5000mAh की बैटरी और सैमसंग One UI 3.1 का सपोर्ट। बात करें इसके कॉन्स की तो नो डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, ओनली 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, नो जायरो EIS सपोर्ट और ये सिर्फ सिंगल
जीबी स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ये है इस फोन के कॉन्स। ओवरऑल इस फोन में आपको डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं, इस वजह से सैमसंग M52 5G हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है iQOO Z5। ये फोन आता है फ्रेश और न्यू डिजाइन के साथ। ये दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। ये आता है 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ। इसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं आती, लेकिन फोन HDR10 और 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ये आता है 64 मेगापिक्सल GW3 सेंसर के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। इसमें 64 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है, और फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। इसमें आपको 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। बात करें इसके प्रोसेसर की, तो फोन आता है स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर के साथ, जो नियर फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंतुदु स्कोर इस फोन के साथ 5.5 लाख से भी ज्यादा आता है। यह आता है 5000mAh की बैटरी के साथ, और उसे चार्ज करने के लिए 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, और उसी के साथ सभी सेंसर मिल जाते हैं। यह आता है LPDDR5 RAM टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। यह आता है 8GB 128GB और 12GB 256GB के दो वेरिएंट के साथ। इसका 8GB 128GB का वेरिएंट 24,000 से शुरू होता है, जो अमेजन कूपन के साथ 23,000 से कम में मिल जाता है। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की, तो बिग डिस्प्ले विद HDR एंड 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, पेंडा ग्लास की प्रोटेक्शन, 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग विद EIS सपोर्ट, 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग चिपसेट। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की, तो IPS LCD डिस्प्ले, इसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता, इसमें NFC का सपोर्ट नहीं मिलता और इसमें माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये है इस फोन के कॉन्स। दोस्तों 23,000 रुपए में आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करता है, इस वजह से iQOO Z5 हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है Xiaomi Mi 11i 5G। ये दिखने में काफी स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है। यह आता है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ, जिसमें HDR10 और 120 Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, और साथ में 1200 nits की पिक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। यह आता है MediaTek Dimensity 920 चिपसेट के साथ, जो हाई लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंतुदु स्कोर इस फोन के साथ 5 लाख से भी ज्यादा आता है। अगर बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें सबसे बेस्ट कैमरा सेटअप मिलता है। यह आता है 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। इसमें 108 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है, और फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। इसमें आप 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और साथ में EIS का भी सपोर्ट मिल जाता है। यह आता है 5160mAh की बैटरी के साथ, और उसे चार्ज करने के लिए 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। यह आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और उसी के साथ सभी सेंसर्स मिल जाते हैं। इसका 6GB 128GB का वेरिएंट 25,000 से शुरू होता है। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की, तो स्टाइलिश एंड प्रीमियम डिजाइन, 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप विद डायनामिक पिक्चर क्वालिटी, IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन, डिसेंट परफॉर्मिंग चिपसेट, 5160mAh की बैटरी, 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, AMOLED डिस्प्ले विद HDR10 सपोर्ट और 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट और 1200 nits की पिक ब्राइटनेस। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की, तो ओनली सिंगल स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है, और इसके UI में ब्लोटवेयर और अनवांटेड एप्लीकेशंस मिलती है। तो ये है इस फोन के कॉन्स। दोस्तों 25,000 के प्राइस पॉइंट में इसमें आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, हाई परफॉर्मिंग चिपसेट और फ्लैगशिप लेवल का कैमरा सेटअप मिलता है, इस वजह से Xiaomi Mi 11i 5G हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। इन सभी फोन्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 स्मार्टफोन्स, जो कि आते हैं 25,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।